subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू करंट अफेयर लाइव. करंट अफेयर लाइव में आपका स्वागत है. टुडे इज 28th of May एंड सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना आज का कोटेशन क्या है. मोटिवेशनल कोटेशन एक देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने शो के साथ. तो फिलहाल मेरे ख्याल से सब लोग आ चुके हैं. गुड मॉर्निंग पूजा, अरुण गुड मॉर्निंग, स्मृता गुड मॉर्निंग, जय गौर गुड मॉर्निंग, निर्मल गुड मॉर्निंग, निशा गुड मॉर्निंग, अरुण सूरज गुड मॉर्निंग. तो सभी को गुड मॉर्निंग, और जल्दी से अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए ताकि हम लोग शो को आगे बढ़ा सकें. और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिएगा. शेयर करने से ज़्यादा लोग आते हैं और ज़्यादा लोगों का मतलब होता है ज़्यादा कंपटीशन. और कंपटीशन में जब आप सवाल का जवाब देते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी रियल पोजिशन क्या है. तो फिलहाल सर्वेज गुड मॉर्निंग, आनंद गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग भाई. तो लेट अस प्रोसीड अहेड विथ आवर शो. हम लोग शो के साथ आगे बढ़ते हैं. और आपको फिर से एक बार बता दें कि जो शेड्यूल है वो शेड्यूल बदल चुका है और आपके सामने शेड्यूल कई दिनों से हम लोग ला रहे हैं. एक बार फिर मैंने लाया है ताकि आपको पता रहे कि शेड्यूल में हम लोगों ने कौन सी क्लास कहाँ पे एडजस्ट की है, जिससे आप उस टाइम पे अवेलेबल हो सकें और चीज़ों को पढ़ सकें. कल एज़ यूजुअल 7 बजे चलेगी, फिर बैंकिंग गुरु की क्लासेस जो 11 बजे वाली कैटेगरी में चलेंगी, रेलवे की 3 बजे, और बैंकिंग गुरु की फिर से क्लास जो है इवनिंग में मैथ और रीजनिंग स्पेशल के साथ चलेंगी. एसएससी सीजीएल जो है वो 8 से 8 और 9:30 यानी 8 से 10 के बीच में चलेंगी. वो कैब 1:30 पे आएगा. एडिटोरियल जो हमने स्टार्ट किया वो 5 बजे होगा. फिर CHSL की क्लासेस जो है 7 बजे से लेके 8:30 यानी 7 से 9 के बीच में जो है आपके पास CHSL की क्लासेस होंगी. तो फिलहाल ये सभी टाइमिंग नोट कर लीजिए, इन टाइमिंग पे उपलब्ध रहिएगा. आपके पढ़ने के लिए बहुत से मटेरियल हमारे पास हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. हम लोग कोटेशन आज का देख लेते हैं. आज का कोटेशन है, नेवर स्टॉप डूइंग योर बेस्ट जस्ट बिकॉज समवन डजंट गिव यू अ क्रेडिट. बहुत ही अच्छा कोटेशन है. कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो. होता क्या है कि लोग जो है कर्म करते हैं तो वो अगर कोई उस चीज को पॉजिटिवली या नेगेटिवली क्रिटिसाइज करता है तो उससे बहुत ज्यादा वो अपने आप को डिस्टर्ब महसूस करते हैं. ऐसा करने की जरूरत नहीं है. देखिए, If you are doing something that is good, if you feel that is good, then just do it, just keep on doing it. और एक समय ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे नहीं यार ये तो अच्छा काम कर रहा. ठीक है, तो don't worry if someone doesn't give you credit कि नहीं तुमने अच्छा काम किया है. ऐसा कोई नहीं कहता, तो doesn't matter ना. You know, you आपको मालूम है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं. ठीक है, तो don't worry about that. तो आई होप दिस पार्ट ऑफ दिस कोटेशन यू विल टेक इट इन योर लाइफ और इसी के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे. इसलिए मेहनत करते रहो. डोंट वरी इफ समवन इज नॉट टॉकिंग अबाउट यू. ठीक है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं कि यार लोग मेरी तारीफ नहीं करते. डोंट वरी, अरे एक दिन जब कामयाबी आएगी ना तो हर कोई कहेगा अरे मैं इसको जानता हूँ, बहुत बढ़िया मेहनत करता है. तो लोगों के स्वर बदल जाएंगे. ठीक है, सो नेवर स्टॉप डूइंग योर बेस्ट जस्ट बिकॉज समवन डजंट गिव यू क्रेडिट. ठीक है, चलिए परमजीत जी गुड मॉर्निंग, प्रियंका गुड मॉर्निंग, शिवानी गुड मॉर्निंग. तो हम लोग जो है न्यूज की ओर बढ़ना शुरू करते हैं धीरे धीरे. पहले देख लेते हैं डेट एंड डेज में हमारे पास क्या है. आज आपके सामने 28 मई है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ. ये दिवस मनाया जाता है आज 28 मई को. ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ. और चलिए आगे बढ़ते हैं. थ्रू द टाइम विंडो ऑफ टाइम यानी समय के झरोके से जब हम लोग कुछ देखने की कोशिश करते हैं, हमें पता चलता है कि 1908 में आज ही के दिन इयन फ्लेमिंग जो है, ब्रिटिश नॉवलिस्ट जो है, उन्होंने जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर बनाया था. देखिए, जेम्स बॉन्ड सीरीज में कई सारी मूवीज आ चुकी हैं. तो इस कैरेक्टर का जन्म जो है आज ही के तारीख में 1908 में इयन फ्लेमिंग ने किया था. मतलब वो नॉवल इन्होंने लिखी थी. ठीक है, नॉवलिस्ट है. बेल्जियम सरेंडर कर दिया जर्मनी को 1940 में. एंड वुमेन ऑफ ग्रीस वेर ग्रांटेड द राइट टू वोट. पहली बार 1952 में ग्रीस में जो महिलाएं हैं उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिला था. ठीक है, एंड डिस्कवरी ऑफ फ्लेम. फ्लेम मतलब क्या है, एक मैलवर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को टारगेट करता था मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में. इसके बारे में जानकारी दी गई कि फ्लेम नाम का भी कोई ऐसा मैलवर प्रोग्राम है, ये बताया गया लोगों को. ठीक है, ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया 2012 में आज ही के दिन. ठीक है, चलिए तो फिलहाल फिर से हम बता दें कि हम लोग न्यूज एनालिसिस की ओर बढ़ रहे हैं. आपके सामने हम लोग ढेर सारे प्रोडक्ट लाए हैं. www.myshop.mahindra.org जाइएगा, ढेर सारे आपके लिए प्रोडक्ट अवेलेबल हैं विद हैवी डिस्काउंट्स. यू नो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता. चलिए न्यूज की ओर बढ़ते हैं क्योंकि न्यूज आइटम में हमारे पास कई चीजें हैं. पहला न्यूज है आपके सामने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑस्ट्रियन प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर वान डर बेलन एग्रीड ऑन द
importance of international collaboration to deal with the present challenges poses by COVID-19 pandemic. जी हाँ, ऑस्ट्रिया और भारत के बीच में ये बात हुई और दोनों देश के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है क्योंकि इस पैंडेमिक से अकेले कोई देश नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हुई है। अब देखिए, फिलहाल आपके लिए यहाँ पे काम की चीज़ें क्या हैं। काम की चीज़ें हैं कि ऑस्ट्रिया के बारे में जरा सा आप जान लें। देखिए, एक मैप मैंने डालने की कोशिश की ताकि आप लोग ये भी जान लें कि उसके आसपास कौन से देश हैं। तो अगर आप मैप देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ऑस्ट्रिया जो कि बीच में लैंड लॉक है, चारों ओर से जो है लैंड से घिरा हुआ है, वहाँ पे आप देख रहे हो कि एक साइड में आपको हंगरी दिख रहा है, एक साइड में चेक रिपब्लिक, एक साइड में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्लोवेनिया, ये इतने जो हैं इसके बॉर्डरिंग नेबर्स हैं, ये बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इज वियना, प्रेसिडेंट इज अलेक्जेंडर वैन डर बेलेन एंड चांसलर इज सेबास्टियन कुर्ज। एरिया वाइज अगर देखोगे तो ऑस्ट्रिया जो है वो वर्ल्ड में 113 प्लेस पे आएगा, पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो 96 प्लेस पे आएगा। और यूरो जो करेंसी है वो यूरो, आपको मालूम है यूरो जोन में सब यूरो यूरो ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे यूरो यूज होती है एज अ करेंसी। ठीक है, अगली न्यूज हमारे पास देखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात लगातार हम लोग 3 दिन से कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये आज तीसरा दिन होगा इनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्यों चर्चा करें ये जान लीजिए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा कॉन्स्टिट्यूटेड 3-member कमिटी लेड बाय इट्स वाइस प्रेसिडेंट वीडी नानावती टू नॉमिनेट ऑब्जर्वर्स फॉर द इलेक्शन ऑफ आईओ मेंबर इन 2020 एंड 2021। ठीक है, तो ये कमेटी इसलिए बनाई गई है कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर सेलेक्ट किए जाएंगे 2020-21 के लिए, ये कमेटी उसमें ऑब्जर्वर्स मतलब ऑब्जर्वर को नॉमिनेट करेगी, वो बताएगी भैया इनको रखिए इनको ना रखिए। ये जो कमेटी बनेगी ऑब्जर्वर्स की, ऑब्जर्वर्स जो बनेंगे, जो नॉमिनेट किए जाएंगे, वो ये कमेटी नॉमिनेट करेगी। याद रखना, कमेटी के जो हेड है, 3-member कमेटी है, इसके हेड कौन है, जो वाइस प्रेसिडेंट है आईओए के, वो है वीडी नानावती। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। नरेंद्र ध्रुव बत्रा इज द प्रेसिडेंट, 1927 में बनी थी, सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता है, रिकॉग्नाइज हुआ था 1924 में, और उस वक्त फाउंडर इसके हुआ करते थे हैरी बक एंड आर्थर नोहरेन। ठीक है, तो ये इतना बहुत अच्छी जानकारी राकेश मिश्रा जी ने दी है कि कहा सर इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर दनुबे, रिवर दनुबे रिवर के बैंक में जो है ऑस्ट्रिया है। ठीक है, गुड मॉर्निंग फैजल, गुड मॉर्निंग अंजलि। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते रहें। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, शेयर करेंगे तभी तो लोग ज़्यादा होंगे और कंपटीशन का और मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ हमारे पास है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे कैबिनेट अप्रूव न्यू 1.1 trillion स्टिमुलस पैकेज दैट इंक्लूड सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग टू स्टॉप कोरोना वायरस पैंडेमिक पुशिंग द वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी डीपर इनटू रिसेशन। तो दो तीन बातें यहाँ से आपको जानने की मिली। एक तो प्राइम मिनिस्टर कौन है जापान के, वो आपको जानने को मिल गया, शिंजो आबे इज द प्राइम मिनिस्टर। और जो स्टिमुलस पैकेज है उसकी जो वैल्यू है वो 1.1 trillion है, बहुत ह्यूज मतलब बहुत बड़ा पैकेज ये भी है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको मालूम हो गया कि जापान जो वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और रिसेशन की ओर जा रहा है। देखिए, कोविड-19 का ये असर है कि हर इकोनॉमी कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट महसूस कर रही है। और आगे हम लोग चल के बात करेंगे, फिच ने कुछ बताया है कि इकोनॉमी का क्या हालचाल रहेगा। ठीक है, तो ये भी उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल इस न्यूज़ से, इस पर्टिकुलर न्यूज़ से आपके सामने जो जानकारी इकट्ठा होकर आएगी वो ये है कि जापान के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपके सामने आ जाएगा कि कैपिटल है टोक्यो, एम्परर है नोरिहितो, ठीक है, नारुहितो, एंड प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे। ठीक है, एंड एरिया इज 61st एंड पॉपुलेशन वाइज ये 11th है। करेंसी यहाँ पे जापानी सेन की यूज़ की जाती है। यहाँ पे मैप वाइज अगर आप देखोगे तो पैसिफिक ओशन, ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान के बीच में ये जो लैंड मास आपको दिख रहा है ये जापान है। ठीक है, और जापान के अगर नाइबरिंग कंट्री देखें तो इमीडिएट लैंडलॉक नाइबरिंग कंट्री तो कोई भी नहीं है, लेकिन समंदर पार जब देखोगे तो आपको दिखेगा साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया एंड चाइना, इतने देश आपको आसपास इसके दिखेंगे। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट ऑफ जापान, ये पूरा जापान है जो आपको दिख रहे हैं। छोटे छोटे आइलैंड भी कई दिख रहे होंगे आपको, देखिए कई छोटे छोटे आइलैंड भी इसमें दिख रहे होंगे। तो ये दिस आर ऑल कलेक्टिवली ये बनाते हैं क्या, ये जापान को बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपने जान लिया। देखिए न्यूज़ में क्या था, न्यूज़ में यही था कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे साहब ने क्या किया, एक स्टिमुलस पैकेज दिया 1.1 trillion। तो वैल्यू ऑफ स्टिमुलस पैकेज जान लीजिएगा, बिल्कुल ये काम आने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड की जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, छोटी इतना छोटा सा अगर आप देखोगे एरिया वाइज तो छोटा सा देश है, क्योंकि एरिया वाइज 61st पे आता है।
लेकिन ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इवन आफ्टर टेकिंग टू यू नो बॉम्ब्स, टू न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन नागासाकी एंड हिरोशिमा, आफ्टर दैट इसका इतना तगड़ा डेवलपमेंट इन्होंने किया, वहाँ के लोगों ने इतना डेडिकेट होकर अपने देश को आगे बढ़ाया कि ये वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की न्यूज़ में बढ़ते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ITAT विमल गांधी पास्ट अवे, ये एक ओबिचरी का न्यूज़ आपके सामने आ गया कि ITAT ट्राइब्यूनल जो था उसके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनका निधन हो गया। अब थोड़ा सा आप जान लीजिए ITAT क्या है। ठीक है, देखिए भारत में जो टैक्स के केसेस आते हैं उन टैक्स के केसेस को ये सॉर्ट आउट करने के लिए ITAT बनाया गया है, और ये काम तो बिल्कुल कोर्ट की तरह करता है लेकिन एक्चुअली में ये काजी जुडिशियल बॉडी है। काजी मतलब उसकी तरह एक बॉडी है, नॉट एग्जैक्टली ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट टाइप की चीज़ नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा, राकेश मिश्रा जी ने फिर से डाला कि सर पार्लियामेंट का नाइस, जी हाँ नेशनल डाइट कहते हैं वहाँ के पार्लियामेंट को। ठीक है, नेशनल डाइट कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपने दी है, बहुत अच्छे। ITAT यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है वो एक काशी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब जुडिशियल का काम करती है लेकिन ये कोर्ट की तरह नहीं है, जो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हम लोग की आदत पड़ी ना सेशन कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करने की, ये उस टाइप की नहीं, लेकिन ये काम वैसे ही करता है। ये जजमेंट भी देता है और इसका जजमेंट भी वैलिड माना जाता है, और इस जजमेंट को आप चैलेंज तभी कर सकते हैं जब आपके पास इसके जजमेंट के खिलाफ अगर आपके पास पर्याप्त सबूत है, तब आप जाके हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो नहीं भैया इन्होंने गलत डिसीजन दिया। ठीक है, तो ये काशी जुडिशियल बॉडी याद रखना, जहां भी काशी जुडिशियल ऐसा लगता है वर्ड ना, तो समझ लेना उसी की तरह है लेकिन वो नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली, तो ये जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, काशी जुडिशियल बॉडी है, जैसे आपके CAG और ये सब चीजें हैं वैसे ये ITAT भी है। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट वर्तमान में वो है जस्टिस PP भट्ट। ठीक है, ये स्पेशलाइज इन डीलिंग अंडर डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस के तहत जितने भी केसेस आते हैं वो इसी ITAT के पास जाता है। 1941 में ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया था, उस वक्त केवल 3 बेंचेस इसके हुए करते थे। ठीक है, 3 बेंचेस मतलब 3 जगह सुनवाई हुआ करती थी, अब 63 बेंचेस है 27 डिफरेंट लोकेशन पे, यानी इसका मतलब ये है कि अब 63 जगह इसके कोर्ट्स अदालतें इसकी लगती हैं, और वहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड केसेस होते हैं वहाँ पे जाते हैं, उस पे सुनवाई होती है, फैसला होता है। ठीक है, ये सब कार्यक्रम जो होता है टैक्स से रिलेटेड, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड यहाँ पे ये होता है। तो रिमेंबर, इट इज़ ए काशी जुडिशियल बॉडी, एग्जैक्टली लाइक CAG जो हमारे पास है, एकदम काशी जुडिशियल बॉडी की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, आई होप ये इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अगर बातें जो समझ में आ रही हो, बातें एकदम क्लियर होती जा रही हो, तो एक थम्सअप जरूर बनता है भाई, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, उससे मुझे पता रहता है कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं यूं ही बोलता चला जा रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रही। ठीक है, चलिए, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ठीक है, जल्दी जल्दी एक थम्सअप डाल दीजिए ताकि मुझे पता चले कि यस यू आर विद मी टुडे, सब लोग जग चुके हैं सुबह। ठीक है, चलिए, शिवानी गुड मॉर्निंग, रिंकू गुड मॉर्निंग, सभी लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग सबको होलसेल में एकदम गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए, तो फिच रेटिंग, जैसा मैं बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले कि नए नए रेटिंग्स आने शुरू हो गए, तो फिच रेटिंग ने कहा है कि फिच रेटिंग फोरकास्टेड 5% कंट्रक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द करंट फिस्कल 2020 एंड 2021। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ढेर सारे जो है थम्सअप वगैरह आने शुरू हो गए, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो देखिए, यहाँ फिच रेटिंग ने कहा कि जो भारत की इकोनॉमी है, ठीक है, वो 5% सिकुड़ने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। देखिए, एक्सपैंड इकोनॉमी विल एक्सपैंड जब आपको कहा जाता है तो आप प्लस लगा दो उसके आगे, सीधे आपको पता चल जाएगा इतने परसेंट से ग्रो करने वाली है, लेकिन जब कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो माइनस लगा दो आगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा घटने वाली है। ठीक है, जो GDP है वो थोड़ा सा घटने वाली है, ये बात यहाँ पे कही जा रही। तो फिच रेटिंग ने यही कहा कि 5% जो है कॉन्ट्रेक्शन होगा, लेकिन आगे इन्होंने ऐसा भी कहा कि जैसे ही पैंडेमिक से बाहर आ जाएगा देश, वैसे इसकी ग्रोथ जो है वो 6-7% से ऊपर भागना शुरू कर देगी, ये इनका कहना है फिच रेटिंग का। तो ये रेटिंग, देखिए रेटिंग हमेशा समय के हिसाब से चलता है, माहौल के हिसाब से चलता है। अब इकोनॉमी के हालचाल हर देश के खराब हैं, हर देश का इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ तक कि यूरोपियन इकोनॉमी को तो 10-12% कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये अभी चलता रहेगा क्योंकि ये पैंडेमिक का सिचुएशन है, लॉकडाउन है हर देश में, लॉकडाउन नहीं भी है तो इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं कि वो रिस्ट्रिक्शन में बिजनेस करना ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से फ्रीली बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इमेजिन करो, एक मॉल में अगर आप कहो कि हर आदमी जो है एक दो दो तीन तीन मीटर की डिस्टेंस बना के ही वहां पे रहेगा और ढेर सारे इक्विपमेंट्स यानी मास्क और ये सब हैंड ग्लव वगैरह लगा के जाएगा, सैनिटाइजर यूज करते हुए जाएगा, तो बहुत लोग कहेंगे छोड़ो यार बाद में देख लेंगे, होम डिलीवरी करवा लेंगे सामान का। ठीक है, तो लोग इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना थोड़ा सा रुक गया है लोगों का, और साथ ही साथ कई कंपनियां इंडस्ट्रीज सब लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, और
अगर कर्मचारी इंडस्ट्रीज में नहीं जाएंगे या कर्मचारी कम संख्या में इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो जो उसका ऑप्टिमम आउटपुट है प्रोडक्शन उतना नहीं होगा, तो आप कहाँ से इकोनॉमी में इसको कंट्रीब्यूट करने की बात कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से ये कोरोना का सब देन है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी वुड कंट्रैक्ट बाय 5%, ऐसा फिच रेटिंग ने कहा है। फिच रेटिंग के बारे में जान लीजिए, 1914 में बना हुआ था। ठीक है, फाउंडर इसके जॉन नोवेल्स फिच है, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएस में है, सीईओ पॉल टेलर है, प्रेसिडेंट इयान लिनन है, एंड ऑनर इज हर्ज कॉरपोरेशन। हर्ज कॉरपोरेशन के अंडर फिच रेटिंग आती है, इसकी सब्सिडरी है ये। ठीक है, फिच रेटिंग की कई और भी कंपनियां हैं, फिच रेटिंग है, फिच सॉल्यूशंस है, ऐसे करके कई कंपनियां हैं। हम लोग बात यहां पे कर रहे हैं केवल फिच रेटिंग की, याद रखना। ठीक है, और फिच रेटिंग जो है वो इस वक्त इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएस में है, हर्ष कॉर्पोरेशन के अंदर आती है, ये बात याद रखना, ये बिल्कुल याद रखना, दिस इज द मदर कंपनी ऑफ फिच रेटिंग। आई होप ये बात क्लियर आपको आ रही है। अभी तक कई लोग सोच रहे होंगे कि सर फिच रेटिंग ही अपने आप में एक इतने अपने आप में एक वो कंपनी है, नहीं, फिच रेटिंग सब्सिडरी है हर्ष कॉर्पोरेशन की। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रहा है, आई होप यू आर ग्रास्पिंग इट, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब अगला एक देखिए, एक वेस्टा स्पेस नाम की एक छोटा सा स्टार्टअप है भारत का, उसने कहा कि भैया हम 35 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। देखो कितने कितना बड़ा एम्बिशियस चीज है। ठीक है, तो इंडियन स्पेस स्टार्टअप वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी विल स्टार्ट लॉन्चिंग ओवर 35 सैटेलाइट फ्रॉम सेप्टेंबर ऑनवर्ड्स टू फैसिलिट पैन इंडिया 5G सर्विसेज, 5G ना फिफ्थ जनरेशन का नेटवर्क। ठीक है, विद एन एम टू मेक द नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क ऑपरेशनलाइज बाय 2021। तो इनका टारगेट यह है कि 2021 से हम 5G जो है उसको ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, 5G क्या होता है, आप सुनते हो ना, 2G 3G 4G, देखो ये जनरेशन होती है। ठीक है, जनरेशन होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है ना वो हमेशा जनरेशन में आती है। पहले जनरेशन में बहुत ही नॉर्मल टाइप की चीज़ें आपको मिल जाती है, फिर सेकेंड जनरेशन में आओगे थोड़ा सा उससे एडवांस होगी, यानी इंटरनेट स्पीड एडवांस हो गया, कनेक्टिविटी एडवांस हो गई, फिर थर्ड जनरेशन में और थोड़ा एडवांस होगा, और फोर्थ जनरेशन में उससे भी तगड़ा होगा, फिफ्थ जनरेशन में और भी उससे तगड़ा होने की संभावना ये मानी जाती है। ठीक है, तो ये 35 सैटेलाइट ये लॉन्च करेंगे, सितंबर से ये स्टार्ट करेंगे, तो 35 सैटेलाइट जब लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, तो पैन इंडिया मतलब पूरे भारत में ये 5G सर्विस अपनी सप्लाई करना शुरू कर देंगे। 2021 तक का इनका टारगेट है, याद रखना, कंपनी का नाम है वेस्टा स्पेस। ठीक है, वेस्टा स्पेस 2018 में बनी थी, बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, नई कंपनी है, स्टार्टअप है एकदम। ठीक है, अरुण कुमार सूर्यबान इसके जो फाउंडर और MD हैं, ठीक है, इन्होंने पुणे में, यानी इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है, ये कंपनी इन्होंने स्टार्ट की थी, और ये कंपनी टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे अपने आप को ले जाने वाली है। 35 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे सितंबर से। ठीक है, 35 सैटेलाइट्स। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं, बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, तो बिल्कुल उसमें आप मुझको जरूर बताइएगा, कहीं डाउट होगा तो पूछने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। ठीक है, अब बात करते हैं, द सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल ऑयल मेकिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अनाउंस अ न्यू कस्टमर फ्रेंडली इनिशिएटिव विद अ लॉन्च ऑफ कुकिंग गैस बुकिंग थ्रू व्हाट्सएप अक्रॉस द कंट्री। अब देखो ये व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो कुकिंग गैस की बुकिंग करने वाले हैं। ठीक है, बहुत एक मेहनत का काम होता है गैस, यू नो, घर में गैस लाना जो है ना मेहनत का काम होता है बहुत ज्यादा। तो ये जो भारत पेट्रोलियम है, उन्होंने कहा कि आप व्हाट्सएप के थ्रू भी गैस की बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू भी गैस की बुकिंग कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया, किसने, भारत पेट्रोलियम में। और ये जो है लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है भारत में। ठीक है, जान लीजिए इसका फाउंडेशन 1952 में हुआ था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, MD जो है इसके, CMD यानी चेयरमैन एंड MD जो है वो डॉक्टर राजकुमार है। ठीक है, डॉक्टर राजकुमार, एंड ऑनर कौन है इसका, भाई ऑनर ऑब्वियस सी बात है भारत सरकार है, क्योंकि भारत सरकार का स्टेक है इसमें 52.98%। याद रखना, अगर कोई भी कंपनी जिसकी वैल्यू 100% है और 51% या उससे ज्यादा जिसका भी स्टेक होगा वही उस कंपनी का मालिक होगा, डिसीजन मेकर होगा, तो यहां पे भारत सरकार का स्टेक है 52.98%। ठीक है, और देखो यहीं पे आपको डिसइन्वेस्टमेंट वाली बात भी यहां से समझ में आ जानी चाहिए, कि अगर हम कहें कि भारत सरकार भारत पेट्रोलियम का डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, तो आप समझ लेना कि ये शेयर जो है ये घटने वाले हैं, यानी 52 से ये कम होने वाले हैं, ये यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, यही है, यहीं से आप समझ लो। ठीक है, तो आई होप दिस मच इज क्लियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है 52.98% इन भारत पेट्रोलियम। आगे चलते हैं, देखिए एक बड़ी बहुत बड़ी न्यूज, अब आम जो है फ्लिपकार्ट के थ्रू मिलेगा किसको, कर्नाटका सरकार ने ई कॉमर्स मार्केटिंग प्लेस फ्लिपकार्ट और कर्नाटका स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन जो है
उन्होंने एक MOU साइन किया है और उसमें इन्होंने कहा है कि जो फार्मर हैं, ठीक है, वो अपने जो फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं वो उसको फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच सकते हैं। ठीक है, तो आप बात समझ में आ रही है ये चीज़। अभी आपने याद किया, अगर याद रहा हो आपको, तो पोस्टल डिपार्टमेंट जो है बिहार का एंड दैट वहाँ की जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कहा कि लीची और आम हम लोग जो है पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू डिलीवरी करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए उसका तुरंत अगले एक स्टेट कर्नाटका ने कहा कि भाई हम भी आम जो है वो फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचेंगे, तो तुरंत फ्लिपकार्ट खोल के आम खरीदना शुरू कर दो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो फ्लिपकार्ट के थ्रू जो है कर्नाटका के आम जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए फिलहाल कुछ यहाँ पे कह रहे हैं कि डिसमेंट कॉस्ट प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट अलग चीज है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपना निवेश कम कर लेना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है यहाँ पे। ठीक, चलिए, तो जो फाउंडेशन है किसका, फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट जो है 2007 में बनी थी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके ओनर जो है वो वॉलमार्ट है। याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि 51 या उससे ज्यादा जिसका भी स्टेक होता है वही मालिक होता है। अभी हम लोग बात किए थे 52.8 का उसमें हिंदुस्तान भारत पेट्रोलियम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वॉलमार्ट जो है वो ऑनर है किसका, फ्लिपकार्ट का, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसी का है। फाउंडर है सचिन एंड बिनी बंसल एंड CEO इज कल्याण कृष्णमूर्ति। ये फ्लिपकार्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, द ऑनर इज वॉलमार्ट। वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन है, याद रखना। सबसे बड़ी रिटेल चेन का मतलब समझ रहे हो, जैसे हमारे यहाँ देखोगे तो वी मार्ट है, सुभिक्षा रिटेल है, ऐसे कई के रिटेल की जितने भी कंपनीज हैं, वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हमारे पास एक नक्शा है जो कि कर्नाटका का है, कर्नाटका के डिटेल भी मैंने पूरे डिटेल कर्नाटका के डाल दिए ताकि आप लोगों को एक ही क्लास में ये पूरा स्टेट ही समझ में आ जाए। ठीक है, फिलहाल अगर आप देखोगे तो कर्नाटका की बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लीजिए, यहाँ बॉर्डरिंग स्टेट देख लीजिए, यहाँ पे गोवा दिख रहा है, ये पार्ट आपको महाराष्ट्र यहाँ पे दिख रहा है, फिर तेलंगाना इज बॉर्डर, ठीक है, और आंध्र प्रदेश एक तरफ बॉर्डर में दिख रहा है, तमिलनाडु दिख रहा है, फिर केरल दिख रहा है और एक साइड अरेबियन सी दिख रही है। ठीक है, तो ये बाकी जगहों से अगर आप देखोगे तो वो पूरे स्टेट से घिरा हुआ है, एंड वन साइड जो है इसके अरेबियन सी है। कर्नाटक की बात हम लोग कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो कितने अगर सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, खासतौर पर SSC में सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है कर्नाटका का बॉर्डरिंग स्टेट नहीं है, ऐसे बहुत सवाल आते हैं। ठीक, इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैप डाल के आपको दिमाग में भर दूं कि भाई देख लो कर्नाटका के आसपास ये है और इसके आसपास। मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि आपको चीजें याद हो जाए, आपको पता भी ना चले और आपको याद हो जाए। ठीक है, तो कर्नाटका का फिर से बता दूं बॉर्डरिंग स्टेट कौन से हैं। गोवा से शुरू हुआ, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरल। तो कितने स्टेट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको याद रहना चाहिए कि 6 स्टेट इसको बॉर्डर कर इसके बॉर्डर पे आते हैं और एक तरफ अरेबियन सी है। ठीक है, तो याद रखिए जो जहां पे ओशन की हम लोग बात करें, जहां पे वाटर बॉडी की बात करें, अरेबियन सी है और बाकी तरफ से जो है ये स्टेट से घिरा हुआ है। ठीक है, और फिलहाल कर्नाटका के बारे में और थोड़ा सा जान लीजिए। इसका फॉर्मेशन यानी स्टेट जो बना था 1956 में बना था, मैसूर स्टेट का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये 1956 में बना था। बेंगलुरु इसकी कैपिटल है। 30 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे। बाजू भाई बाला जो है गवर्नर है इस वक्त और BS येदुरप्पा जो है वो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के। और इसका रैंक अगर देखा जाए इंडिया में तो ये 6 स्थान पे आता है। पॉपुलेशन वाइज रैंक इसका 8वां है। और ढेर सारे नेशनल पार्क यानी बांदीपुरा नेशनल पार्क, बनरघट्टा, नागरहोल, पागावाड़ा, सोलर पार्क, ये सब जो है आपको कर्नाटका में मिलेंगे। बस याद रखना कि ये जो पावागाड़ा जो सोलर पार्क है, ये एक्चुअली वो जानवरों वाला पार्क नहीं जहाँ पे आपको जानवर या बर्ड वगैरह मिल जाएंगे, ये सोलर पार्क है। ठीक है, सोलर पार्क मतलब यहाँ पे सोलर एनर्जी को हार्नेस करने की व्यवस्था की गई है, तो ये सोलर पार्क है। ठीक है, यहाँ पे एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, एक है और एक प्रपोज भी था, लेकिन वो प्रपोज है इसलिए मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया, मैंने सीधे यहाँ पे यूज किया जो ऑलरेडी यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे विजयनगर एम्पायर एट हम्पी, ठीक है, एंड मॉन्यूमेंट ऑफ पड़ाकाकल, इनको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज, विजयनगर एम्पायर आप जानते हैं 1300 सेंचुरीज में जब आप जाओगे तो वहां से 300 सालों के लिए विजयनगर एम्पायर हुआ करता था हम्पी में। ठीक है,
बुकाराया एंड ऑल इन लोगों ने, हरिहरन वन एंड बुका हरिहरन टू एंड बुकाराया इन लोगों ने मिलकर बनाया था। तो विजयनगर एम्पायर जो है उसका रुइन जो है हम्पी में, रुइन मतलब उसके अवशेष जो है हम्पी में, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। अगर आपको याद होगा तो हम्पी की जब भी फोटो आप सर्च करोगे ना गूगल में सर्च करोगे तो आपको एक एक मंदिर नुमा एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें बड़ा सा एक रथ का पहिया लगा होगा, दैट इज हम्पी, ठीक है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दो चीजें यहाँ पे आती हैं, रुइन ऑफ विजयनगर एम्पायर एट हम्पी एंड मॉन्यूमेंट ऑफ पाड़ाकल, ठीक है। तो ये दो चीज जो है ये आपके सामने यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आई होप ये कनाडा की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके बिल्कुल काम आने वाली मैप के साथ, ठीक है। अगर ये पसंद आया तो जल्दी से जो है, ठीक है, थम्स अप जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको पता चले कि हाँ ऐसे ही करते जाना है, ये स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है, उनको सीखने में इससे मदद मिल रही है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत ही एक्टिव आप लोग हैं, सुबह से जो है आप लोग वेट करते हैं एंड देन शो स्टार्ट होता है, फिर नोट डाउन करना शुरू करते हैं, फिर पीडीएफ कहाँ मिलेगी और क्वेश्चन आंसर में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये आपकी कोशिश आपको जरूर कामयाबी रहेगी, बिल्कुल एकदम तैयार रहिए। आने वाले दिनों में जैसे जैसे लॉकडाउन हटेगा आपके लिए जो है ढेर सारा आपके लिए जो है हर तरीके से ऑफर आने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी लॉकडाउन में सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही खुलेगी तो हर कोई कहेगा कि अरे यार अब जो है बहुत हुआ अब लॉकडाउन, अब जो है फिर से अपनी चीजों को हम बूस्टअप करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, वो आप लोगों ने ढेर सारा थम्सअप और लाइक्स आपने डाले हुए, थैंक यू वेरी मच। और शेयर जरूर करते रहो, शेयर करोगे तो ढेर सारे लोग आते रहेंगे कॉम्पिटिशन में और मजा आता रहेगा। लाइक की संख्या थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा लाइक तो क्लिक कर दो यार, ठीक है। लाइक तो बनता है ना, आई होप, क्यों लाइक तो बनता है ना, ठीक है। तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, लाइक बिल्कुल बनता है। और एक ही बार लाइक करना, ये नहीं कि दो बार कर दिया मतलब लाइक ही हट गई, ठीक है। तो एक ही बार लाइक करना, जो लोग नहीं किए उनको जरूर मोटिवेट करिए कि लाइक तो बनता है, ठीक है, लाइक तो बनता है। चलिए, और सूरज कह रहे सर पीडीएफ कैसे मिलेगी? बिल्कुल सूरज, जैसे ही शो खत्म होगा उसके अराउंड 1 to 2 आवर्स के अंदर आप देख लेना, उसी वीडियो के नीचे जो है हम पीडीएफ का लिंक लगा देते हैं ताकि आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़ सकें। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही मेहनत से ढूंढी जाती है, इसको बिल्कुल पढ़िए, ठीक है। बिल्कुल, फैजल कह रहे हैं प्लीज लाइक शेयर करें, बिल्कुल। देखिए, ऐसे आप लोगों जैसे जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत मोटिवेट करते हैं, अपने आप को भी मोटिवेट रखते हैं, मुझे भी मोटिवेट करते हैं, दोस्तों को भी मोटिवेट करते हैं। शुभम पटवा कह रहे हैं सर आज लेट हो गए हम, कोई बात नहीं शुभम, अभी से दौड़ में चालू हो जाओ, ठीक है। हाँ, हर्षित कह रहे हैं सर 50 रुपए की नोट पे देखिएगा हम्पी दिखेगी, बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत से। अरे अशोक ऐसा ना करो, कह रहे हैं सेकंड टाइम हमने लाइक कर दिया, नहीं नहीं सेकंड टाइम ना करो, एक ही बार लाइक करो भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इनसे मिलिए। ये वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फीफा हैज प्रोविजनली सस्पेंडेड प्रेसिडेंट हाइटियन फुटबॉल फेडरेशन यविस जीन बार्ट फ्रॉम ऑल फुटबॉल रिलेटेड एक्टिविटी। जी हाँ, जो ये शख्स आपको दिख रहे हैं ये है यविस जीन बार्ट, और ये हाइटियन यानी हाइटी के फुटबॉल फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट है, और इनको सस्पेंड कर दिया गया है मोरल ग्राउंड पे, ठीक है। इनको सस्पेंड कर दिया है मोरल ग्राउंड पे, ये एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्लेयर्स में ये पाए गए हैं, इसलिए इनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल हम लोग हाइटी के बारे में जान लें। देखिए, हाइटी दिखाने के लिए मैंने ये कोशिश की आपको, देखिए ये कैरेबियन सी, ये अब आप समझो ये एरिया कहाँ पे है। अगर आप इस पार्ट में देख पा रहे हो तो आपको दिखेगा कि नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, नीचे साउथ अमेरिका है, लेकिन उसके बीच में भी कुछ लैंडमार्क आपको दिख रहे हैं, वही लैंडमार्क यहाँ पे है। एक तरफ पैसिफिक ओशन, गुल्फ ऑफ मेक्सिको, फिर नॉर्थ अटलांटिक सी ओशन, और इसके बीच में कैरेबियन सी पड़ती है, ठीक है। कैरेबियन सी में ये जो कंट्री होती है इनको कैरेबियाई देश कहा जाता है, आप सुनते हो ना कैरेबियन कंट्रीज, ठीक है। तो ये कैरेबियाई देश है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा हैती, ये रहा आपका हैती, ठीक है। और यहीं पे आपको दिख रहा होगा क्यूबा साइड में पनामा, आपको दिख रहा होगा पनामा पेपर वाला पनामा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो हाइटी जो है वो कैरेबियन सी में एक आइलैंड का समूह है, ढेर सारे आइलैंड्स हैं इसके अंदर, ठीक है, आइलैंड का समूह है। और इसका एक आइलैंड तो ऐसा भी है कि जहाँ पे इसका जो समझिए इसकी जो लड़ाई है उस विषय में जो विवाद है वो सीधे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। तो सोचिए, छोटा सा देश है, इतने बड़े देश को एकदम चैलेंज कर रहा है कि नहीं छोड़ो ये आइलैंड तो मेरा है, ठीक है। तो ये उनके बीच में विवाद चल रहा है। फिलहाल आप जान लें जो कैपिटल है इसका पोर्ट ऑन प्रिंस, एंड प्रेसिडेंट इज जोवेनल मोइस, एंड प्राइम मिनिस्टर इज जोसेफ जोट। एरिया वाइज देखोगे तो 143rd प्लेस पे ये आता है, पॉपुलेशन वाइज 85th प्लेस पे। सोचिए, बहुत छोटा कंट्री, बहुत ही छोटा सा एक
एक देश है ये, ठीक है। और ये करेंसी यहाँ पे हाइटेन गोल्ड के यूज करते हैं, करेंसी याद कर लेना, हाइसियन गोल्ड, गोल्ड का यूज करते हैं, ठीक है, हाइसियन गोल्ड यहाँ पे यूज होता है, ठीक। तो हाइती रिपब्लिक आपको मिलेगा कहाँ, कैरेबियन सी में मिलेगा। और कैरेबियन सी कहाँ पे मिलेगी, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यहाँ पे देखना नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कुछ एक एरिया है जहाँ पे आपको कैरेबियन सी मिलेगी। वो एरिया कवर्ड होता है गुल्फ ऑफ मेक्सिको से, पैसिफिक ओशन से और नॉर्थ अटलांटिक ओशन से, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये चीज है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है, ये मैप देख के आपको समझ में, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि हाँ ये चीज यहाँ पे होगी, ठीक है, इसीलिए ये मैप लगा दी गई ताकि आपको समझ में आता रहे, ठीक है। बहुत सही, चलिए बहुत अच्छे, आप लोगों को पसंद आया, बहुत ही अच्छी बात है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को चीजें पसंद में आ गई। अब देखते हैं अगला न्यूज पे हम लोग आते हैं, इंडिया के बारे में थोड़ी सी चीज है। द कंट्रीज लार्जेस्ट कार मेकर, भारत की सबसे बड़ी कार मेकर मारुति सुजुकी इंडिया हैज जॉइन हैंड विद आईसीआईसीआई बैंक टू ऑफर रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम टू इट्स कस्टमर। अब जब कार खरीदने जाओगे तो इतने आसानी से तो मिलेगी नहीं, बहुत अमाउंट लगता है उसके लिए। तो मारुति सुजुकी ने आईसीआईसीआई बैंक से टाई अप कर लिया कि अब मैं जब कार बेचूंगा ना तो कस्टमर आपके पास आएगा और कहेगा हमको लोन दो, तो आप उसको लोन दे देना और मेरी कार भी बिक जाएगी, आपका लोन भी बिक जाएगा और कस्टमर हमको ईएमआई देगा, कस्टमर के पास कार भी हो जाएगी। ये यहां पे है, ठीक है, विन विन सिचुएशन फॉर किसके किसके लिए, विन विन सिचुएशन फॉर आईसीआईसीआई बैंक के लिए, विन विन सिचुएशन फॉर मारुति सुजुकी के लिए और विन विन सिचुएशन फॉर कस्टमर के लिए, ठीक है। क्योंकि इस समय लॉकडाउन का चल रहा है तो थोड़ा सा मार्केट डाउन होने की वजह से जो ये मोटिवेट करने की कोशिश हो रहा है, ठीक है, ये मोटिवेट करने की कोशिश हो रही है कि सब लोग समझ जाएं, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने टाई अप, मारुति सुजुकी ने टाई अप किया आईसीआईसीआई बैंक से ताकि वो रिटेल फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सके। रिटेल फाइनेंसिंग मतलब कस्टमर को फाइनेंसिंग यहाँ पे होगी, ठीक है, रिटेल का मतलब यहाँ पे ही होता है। चलिए आगे देखते हैं, मारुति सुजुकी 1981 में बना था, उस समय संजय गांधी जी की देन है कि ये मारुति सुजुकी बना, मारुति उद्योग के नाम से भारत में बना था, ठीक है। और उस वक्त ये मारुति उद्योग जो है ना ये कार इंपोर्ट करके तब बेचता था, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है इन्होंने अपनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, आरसी भार्गव जो है इसके चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ केनिची आयुकावा जो सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन से, और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन का इसमें जो हिस्सेदारी है वो देखिए 56.21%, ठीक है। यानी मेजर डिसीजन मेकर कौन होगा, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन। ये कहाँ की कंपनी है, जापान की कंपनी है, आई होप यू नो दैट, ठीक है। ये जापान की कंपनी है मारुति सुजुकी कॉर्पोरेशन, जिसका टाई अप मारुति सुजुकी इंडिया बनाने में हुआ, मारुति उद्योग से सुजुकी ने टाई अप किया तो मारुति सुजुकी इंडिया आपके सामने बना। और ढेर सारी कारें इसको इसकी सड़क पे आपको देखती रहती होंगी, ठीक है। तो चलिए फिलहाल ये रहा कि मारुति सुजुकी आईसीआईसीआई बैंक के साथ रिटेल फाइनेंसिंग के लिए इन्होंने टाई अप किया है, ठीक है। आई होप दैट वाज क्लियर। सौरभ कह रहे हैं सर सॉरी सर लेट हो गए, कोई बात नहीं, अभी से आप स्टार्ट कर लो, बाकी फिर बाद में वीडियो एक बार फिर से देख के आप समझ जाओगे सभी चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओला की बात करते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ सॉफ्ट बैंक ग्रुप बैग्ड इंडिया कंपनी ओला विल बाय एम्स्टरडैम बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी इटर्गो अ पार्ट ऑफ इट्स प्लान फॉर लोकली बिल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए ओला ने क्या किया, ओला ने एम्स्टरडैम बेस्ड इटर्गो, एम्स्टरडैम कहां पे भाई, ठीक है, एम्स्टरडम कहाँ पे है ये बिल्कुल लिख दीजिए। फर्स्ट एटीएम ऑफ इंडिया वाज इशूड बाय आईसीआईसीआई बैंक, हर्षित ने बहुत बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे दे दी, ठीक है, बहुत अच्छी ऐसी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल शेयर करते रहे ग्रुप में। तो एम्स्टरडम की एक स्कूटर कंपनी है जिसको अब ओला खरीद लेगी और ओला जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना शुरू कर देगी। ये इमेज जो हमने डाला गया ये इलेक्ट्रिक स्कूटर की है, मतलब वो स्कूटर जो चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज होगा, इसमें पेट्रोल डीजल नहीं डालोगे आप, ठीक है, ये चार्ज होगा और चार्ज होने के बाद जो है इसको चलाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर चल रहा है, देख ही रहे होंगे, हर देश ने टारगेट बना रखा है कि 20-30 तक जो है वो इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियां जितनी भी है वो इलेक्ट्रिक वाली कर देंगी। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आपको मिलना शुरू हो जाएगा, पेट्रोल पंप की जगह चार्जिंग स्टेशन दिखेंगे जहां पे आप गाड़ी को लगा दोगे और वो चार्ज हो जाएगा, फिर आप उसको चलाना शुरू कर दोगे। तो ये कल्चर अब डेवलप होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इससे बढ़िया भी है फॉसिल फ्यूल, क्योंकि ऑलरेडी अर्थ में इतना हम लोग पेट्रोल और डीजल यूज कर चुके हैं कि वो एक दिन तो खत्म हो जाएगा ना यार, ठीक है। तो वो जब खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करोगे, फिर पानी से थोड़ी ना गाड़ी चलाओगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो सीधे सभी देशों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ेंगे। और हर कंपनी अब देखो इलेक्ट्रिक कार आ रही, महिंद्रा की आ रही, मारुति की भी आएगी, टाटा की भी इलेक्ट्रिक कार नेक्सन आपको दिख रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक कार आनी शुरू हो गई, ठीक है। फिलहाल ये आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर आना शुरू हो गया, इलेक्ट्रिक बसेस चल रही है कई जगह, इसीलिए चलाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा जो लोड है फॉसिल फ्यूल्स पे वो नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ ये
एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है। आप देखो अगर गाड़ी डीजल और पेट्रोल से चलाते हो तो धुआं निकलता है, वो धुआं से पोल्यूशन होता है। इन सब चीज़ों से बचने का सबसे बढ़िया उपाय एक ही है, या तो गाड़ी मत चलाओ या फिर कोई ऐसा उपाय ढूंढ लो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। इसी दौर में सीएनजी आया और अब जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, क्योंकि सीएनजी भी फॉसिल फ्यूल है, कहीं ना कहीं वो भी समाप्ति हो जाएगा। ठीक है, राजरंजन बता रहे सर पानी वाली गाड़ी इन्वेंट हो चुकी है, लेकिन बिल्कुल हम लोग वेट करना पड़ेगा ना, पानी वाली गाड़ी जब तक कॉमर्शियलाइज नहीं होगी तब तक तो वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चला लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चला लें और शेयर करते रहो, ताकि देखो अभी नंबर ऑफ लोग जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो शेयर जिनने करोगे तो आपके दोस्त वगैरह भी जल्दी से आना शुरू हो जाएंगे। ओला के बारे में जान लीजिए, ये 2010 में बनी थी, 3 दिसंबर 2010 में। भावेश अग्रवाल इसके फाउंडर और सीईओ हैं, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। ठीक है, तो ओला जो है अब स्कूटर बनाएगी, एम्स्टरडम में स्कूटर बेचेगी, इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचेगी। ठीक है, चलिए, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये चेहरा बहुत चीत परचीत होगा, बहुत बार आप लोगों ने देख लिया होगा। जी हाँ, पहले ये IMF में हुआ करती थी। ठीक है, ये IMF में हुआ करती थी और अब जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट हो गई हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट क्रिस्टीना लगार्ड, द यूरोजोन इकोनॉमी इज लाइकली टू श्रिंक बिटवीन 8-12% दिस ईयर ड्यू टू स्ट्रगल टू ओवरकम द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस। देखो अभी मैंने कहा ना, कोरोना वायरस की वजह से जो है वो पूरी इकोनॉमी स्लो हो गई है। इंडिया की इकोनॉमी 5% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। यूरोपियन, यूरोजोन मतलब जहां पे यूरो यूज होता है ना, जो यूरोपियन कंट्री, आपने सुना होगा, एक दिन पहले भी मैंने, कुछ दिन पहले भी समझाया भी था, तो वहां 8-12% इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। इसका मतलब समझ रहे, इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही, ग्रोथ रेट नहीं दिख रहा है, ये नेगेटिव में जा रही, माइनस में लगा दो, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, छोटी हो रही, कम हो रही है। ठीक है, तो ये ग्रोथ नहीं करेगी, पहले अगर ज्यादा थी तो वो 8-12% कम हो जाएगी। ठीक है, ये कहने की बात है यहाँ पे। और कौन कह रहा है ये, क्रिस्टीना लगार्ड जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है, जो पहले IMF में हुआ करती थी, वो जो है अब सेंट्रल बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक में गई है। साक्षु कह रहे हैं कि सर ऑसम एक्सप्लेनेशन, थैंक यू वेरी मच कि आपको ये चीजें समझ में आ रही, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू समथिंग। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहे हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है और 1998 में ये बना था, और प्रेसिडेंट इसकी क्रिस्टीना लगार्ड है, और यहाँ पे करेंसी जो है वो यूरो यूज होती है, यूरो जोन है तो यूरो ही यूज होगी। ठीक है, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री इसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबसे लास्ट कंट्री जो इसमें पार्टिसिपेट की थी वो क्रोएशिया थी। ठीक है, क्रोएशिया थी। ठीक, बिल्कुल, ये आपके सामने, मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फिर से इलेक्ट्रिक वाली बात कर रहे थे, फिर से इलेक्ट्रिक आ गई आपके सामने। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट केसेना कारावान is expected to fly 20-30 minutes over Washington in US. The aircraft could enter commercial service by 2021 and have a range of 100 miles. अब ये देखिए, ये जो इमेज में आपको एक जहाज दिख रही, ये 9-सीटर जहाज है और ये इलेक्ट्रिक से चलेगी, मतलब इसमें भी गैसोलीन पेट्रोल वगैरह नहीं जाएगा, ये इलेक्ट्रिक से चलेगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक से चलेगी और इसकी पहली फ्लाइट, मतलब समझ लो एक टेस्ट फ्लाइट ये लोग करेंगे, 20-30 मतलब आधा घंटा जो है वॉशिंगटन के ऊपर इसको उड़ाया जाएगा, ये देखने के लिए कि क्या ये चीज जो बनी है वो सही है। और अगर ये चीज सही है तो फिर इसका कमर्शियल प्रोडक्शन होगा, मतलब अब बेचने के लिए इसका प्रोडक्शन होगा, और इसकी रेंज जो होगी एक बार चार्ज करने के बाद 100 मील तक जो है इसको आप उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज है, तो ये मैग्नी एक्स नाम की कंपनी है जिसने इसको लाया है, और मैग्नी एक्स जो कंपनी है जो ये पहला इलेक्ट्रिक प्लेन लाएगी, उसका वो जो है 2009 में क्वींसलैंड में बनी थी, हेडक्वार्टर इसका रेडमोंड वॉशिंगटन में है और ऑनर है इसके क्लेरमोंट ग्रुप। ठीक है, याद रखिएगा, ये पहला प्लेन होगा जो इलेक्ट्रिक के बेस पे होगा, इलेक्ट्रिक के बेस पे चलेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, अभी फॉसिल फ्यूल पे लोड अब ज्यादा नहीं आप डाल सकते, ऑलरेडी जो अर्थ है वहां से जितना फॉसिल फ्यूल निकालना था पिछले 100-150 सालों में, हम लोगों ने पूरा फॉसिल फ्यूल जितना निकालना था निकाल लिया है। एक समय आएगा फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा, इजिली अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए उसका अल्टरनेट क्या है, अल्टरनेट यही है कि हम लोग कोई ऐसे मोड पे आए जिसको हम यूज कर सकें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर आ गया है, इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात हुई, इलेक्ट्रिक कार की बात हुई, अब देखो इलेक्ट्रिक प्लेन भी आ गया। तो इलेक्ट्रिक प्लेन में आप जाइएगा, अब बिल्कुल डरना नहीं कि इसमें लाइट भग जाएगी तो क्या होगा, इसमें बैटरी, एक्चुअली बैटरी ये लोग यूज करते हैं, बैटरी उसमें लगाया जाता है, बिल्कुल जैसे आपके पास जो मोबाइल वगैरह आप चार्ज करते हैं, बिल्कुल उसी टाइप की टेक्नोलॉजी इसमें भी यूज होता है। तो इसको जो है चार्ज किया जाएगा और चार्ज होने के बाद ये 100 मील की उड़ान भरेगी, 2021 में इसको यूज किया जाएगा कमर्शियल बेस पे। ठीक है, बहुत सही, ये बातें आपको समझ में आ गई आई होप।
ठीक है। तो दुनिया बदल रही है, इलेक्ट्रिक पे आ रहा है, फोसिल फ्यूल हटाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक पे लाया जा रहा है हर चीज को, ठीक है। दुनिया बदल रही है, बदलते हुए दौर की निशानी ये सब, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक प्लेन, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्लेन कुछ दिन बाद ऐसा ना हो कि जो रॉकेट बन रही वो भी इलेक्ट्रिक का ही बना दे, वो लोग कहे कि सर ये भी इलेक्ट्रिक से ही जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ये किया जा रहा है, ठीक है। और आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक का उत्पादन ज्यादा किया जा सके, इसके लिए कई देश अब सोलर पावर प्लांट की बात करते हैं, सोलर पावर प्लांट की बात करते हैं, सोलर बिल्कुल हर्षित कह रहे हैं कि सर खरीदवा दो, इतने करोड़ तो रोज मिलते हैं और मैं खरीद लूंगा, बिल्कुल हर्षित। अभी लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो वेट करो, जब कमर्शियल प्रोडक्शन होने लगेगा तो आप खरीद लेना इसको, ठीक है। तो सोलर पावर प्लांट की लोग बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को हार्नेस करके उसको इलेक्ट्रिक में बदल दे रहे हैं। तो ये तरीका चल रहा है इस समय, इलेक्ट्रिसिटी की ओर लोग भाग रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का हम लोग यूज कर सके। और विकास कह रहे हैं कि सर लाइट भग गई तो क्या होगा, बिल्कुल मेरा डाउट यही था, लाइट नहीं भगेगी उसमें, वह बैटरी यूज होती है, बिल्कुल जैसे आपके मोबाइल में बैटरी यूज होती है और समय समय पर आप उसको चार्ज करते रहते हैं, ठीक है। चलिए आई होप ये इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। देखिए कोरोना का दौर चल रहा है और कई देश की इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, बहुत लोग जो है निराश होते जा रहे हैं कि यार कोरोना की वजह से बिजनेस ठप पड़ा। देखो इस दौर से भी, इस बुरे दौर से भी हम लोग बाहर निकलेंगे, ह्यूमन बींग है यार, इंसान है हम लोग, इस दौर से भी बाहर निकलेंगे और फिर से हर चीजों को जो है वो फ्लोरिश करेंगे, फिर से हर चीजों को बढ़ावा हम देंगे। इस वक्त पूरे देश को, ऑलमोस्ट हर देश को जो है इस वक्त अगर किसी ने थाम रखा है तो वो हमारे किसान है। वो खेत में दिन रात मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरी तरफ से इकोनॉमी डाउन हो रही है वो एग्रीकल्चर की ओर से हम उठा के अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर लें, ठीक है। तो ये देखिए ये दौर में जो है इंसान कितने एक दूसरे की मददगार बनता हुआ चला जा रहा है। अभी देखिए ये जो चेहरा आपको दिख रहा है, ये है डॉक्टर अमृता घटके, ये भारतीय ओरिजिन की है, मतलब भारतीय मूल की है लेकिन रहती वहाँ पे, ठीक है। तो ये इन्होंने एक क्वांटम, इन्होंने जो है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, जो साइंस पढ़े होंगे उनको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। तो अमृता गढ़के द क्वांटम सिस्टमेटिक एंड डिवाइस लेबोरेटरी सक्सेसफुली क्रिएटेड अ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एट यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स फैसिलिटी, नॉट इन लैब बट इन हर लिविंग रूम। अब लॉकडाउन में ये अपने घर पे थी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाया है। अब आप जानना चाहोगे कि सर ये क्या है, तो ये देखिए ये जो इमेज आपको दिख रही है, यहाँ पे अगर आप देखो जब टेम्परेचर जैसे जैसे हम घटाते चले जाएंगे, ठीक है, तो ये जो इनर्जी स्टेट है, ठीक है, इनर्जी स्टेट है जो एटम्स का, वो इनर्जी स्टेट में ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये धीरे धीरे सब नीचे आ जाएंगे, इस वाली लाइन में सब आ जाएंगे। और ये जो आपको ये दिख रहे हैं पार्टिकल्स, ये दिख रहे हैं, ये जानते हो क्या होगा, ये धीरे धीरे वेव फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है, और एक ही साथ ये सब वेव फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है, ये सब वेव फॉर्म में आ जाएंगे। और ये जो मटेरियल बनता है इसी को हम लोग BEC कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, आप सुनते हैं ना सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये थ्री स्टेट होते हैं, फिर प्लाज्मा होता है फोर्थ स्टेट, और पांचवा स्टेट ये BEC होता है, ठीक है। तो ये नया एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है और अपने घर से किया है, इसका मतलब जानते हो क्या है, इस न्यूज को रखने का एक ही मकसद था कि आप समझ सकें कि घर पे भी बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जा सकते हैं, लैब की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन्होंने करके दिखाया है, इन्होंने BEC ये कंडेंसेट इन्होंने बनाया है। चलिए फिलहाल बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो साइंस बहुत ज़्यादा टेक्निकल साइंस हो जाएगा और हम लोग फिर पता चला कि हम लोग रॉकेट साइंस पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है। फिलहाल हम लोग फिर से अपने करंट अफेयर वाले पार्ट पे आते हैं। ब्रिटेन हैज प्रपोज होस्टिंग नवंबर 2021 यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल समिट नॉन स्कोप 26 दैट पोस्टपोन्ड इन नवंबर 2020 ड्यू टू कोरोना वायरस। नवंबर 2020 में COP 26 होने वाला था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो मीटिंग होती है ये होने वाली थी, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ब्रिटेन कह रहा है कि भैया जो नवंबर 2021 में करोगे वो भी हम ही करेंगे, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज हम करेंगे, ये ब्रिटेन का कहना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं COP के बारे में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो होना था नवंबर में लेकिन पोस्टपोन्ड हो गया 2021 में। लोकेशन इसका ग्लासगो स्कॉटलैंड UK में होना था, ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय UK एंड इटली। पार्टिसिपेट इसमें होते कौन कौन, UNFCCC के मेंबर होते, UNFCCC क्या है अभी हम आगे आपको बता देंगे। प्रेसिडेंट इसके आलोक शर्मा है, भले ही आलोक शर्मा लिखा हुआ है लेकिन ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन भारत के नागरिक नहीं है, ब्रिटेन के ही नागरिक हैं। तो आलोक शर्मा जी इसके प्रेसिडेंट हैं। जो कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो मीटिंग होती है ना, तो ये COP के नाम से इसको जानी जाती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले ये 1995 में हुई थी,
और पिछला वाला जो है वो 2019 में हुआ था, मैड्रिड यानी स्पेन में हुआ था। ठीक है, तो पहला वाला बर्लिन जर्मनी में शुरू हुआ, तब से ये होते होते देखिए COP21 से अब 26 हो रहा है, समझिए 26वीं मीटिंग हो रही है। ठीक है, पिछला वाला कहाँ हुआ था, मैड्रिड स्पेन में, अब की बार वाला होना था ये ब्रिटेन में, लेकिन ये टल गया है और ब्रिटेन कह रहा है कि अगला वाला भी हम ही करेंगे, मतलब जो टाल दिया आपने वो ऑर्गेनाइज हमें ही करने दो, क्योंकि उनकी व्यवस्था ऑलरेडी बना चुके होंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहना है। अब देख लीजिए, जो UNFCCC की हम लोग बात कर रहे थे ना, UNFCCC उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो बेसिकली ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के बारे में ये डिस्कशन करते हैं, आपने इससे पहले सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल एंड वगैरह वगैरह, ये सब ग्लोबल वार्मिंग को काबू में करने के लिए हो रहा है। फिलहाल तो कोरोना ने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में कर ही दिया है, क्योंकि हर जगह की इंडस्ट्री बंद है, पॉल्यूशन हो नहीं रहा। ठीक है, तो चीज़ें कुछ कंट्रोल में आ गई, ओजोन लेयर जो है, जो होल थे उसमें वो सही हो रहे हैं। ठीक है, तो UNFCCC के बारे में जान लीजिए, ये पहली बार 1992 में इसका आइडिया लाया गया था और 1993 में कम्प्लीटली इसको जो है इसके जितने भी सिग्नेटरीज थे, जितने भी कंट्री थे, सब लोग कहे कि हाँ भैया हम भी शामिल है, हम भी शामिल है। तो ऐसे करते हुए ऑलरेडी 197 देश जो है इससे जुड़ चुके हैं। ठीक है, और ये जो हुआ था कार्यक्रम उस समय 1992 में, ये रियो डी जेनेरियो और न्यूयॉर्क में ये हुआ था, और फाइनली इसको इफेक्टिव किया गया, मतलब लागू किया गया 1994 से। तो 1992 का आइडिया जो है 1994 में इंप्लीमेंट किया गया और सभी देश एक साथ आए और उन्होंने कहा कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग और ये जो एनवायरनमेंट को क्षति पहुंच रही इसको हम कंट्रोल करेंगे, और फिर ये मीटिंग शुरू हो गई। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वाली मीटिंग शुरू हो गई, पहली मीटिंग जो है बर्लिन जर्मनी में हुई और लास्ट मीटिंग जो है वो मैड्रिड स्पेन में हुई। अगली मीटिंग जो है देखिए कहाँ पे होता है, अभी पोस्टपोन हुआ है, ब्रिटेन कह रहा है कि हम ही करेंगे ग्लासगो में, हम ही करेंगे स्कॉटलैंड में इसको। ठीक है, तो ब्रिटेन ने ये ऑफर अपना डाल दिया कि भैया हम अपने यहाँ ही करेंगे। ठीक है, सीवी कह रहे हैं कि सॉरी सर आमलेट, कोई बात नहीं, अब से देख लीजिए MCQ सिस्टम अभी बचा हुआ। जब मैं कल न्यूज़ कलेक्ट कर रहा था तो अचानक लेट नाइट मुझको एक न्यूज़ और मिल गई, जिसमें कहा गया कि शिवलिंगा ऑफ 9th सेंचुरी हैज बीन अनअर्थेड एट चम टेम्पल कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एट माई सोन इन क्वान नाम प्रोविंस ऑफ वियतनाम ड्यूरिंग रेस्टोरेशन वर्क बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चम टेम्पल कॉम्प्लेक्स वॉज बिल्ट इन 9th सेंचुरी ड्यूरिंग द रेंज ऑफ किंग इंद्रवर्मन टू। अब समझ लो इसका मतलब क्या है, एक राजा हुआ करते थे 9th सेंचुरी में वियतनाम में, किंग इंद्रवर्मन टू। ठीक है, इन्होंने चम टेम्पल, ये जो चम टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाया था, जो अब जाके उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हम लोग उसको रखते हैं। तो यहाँ पे भारत के जो भारत का जो ये ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, वो वहाँ गया था, वहाँ चार लोगों की टीम गई थी और इस जो परिसर है, इस परिसर को वो लोग सही करने गए थे, मतलब मैनेज करके सही कर देना, कोई चीज़ टूटी फूटी है तो उसको अरेंज कर देना, ये करने गए थे। उसी के दौरान एक खुदाई हो रही थी और उसमें उन्होंने उनको जो है 9th सेंचुरी की, ठीक है, शिवलिंग वहां पे उनको मिला। ठीक है, ये चीज वहां पे उनको मिला। तो ये सवाल बिल्कुल हो सकता है कि चम टेम्पल कॉम्प्लेक्स किस देश में है, ठीक है, और ये ASI ने ये जो शिवलिंग है वो कहाँ पे इन्होंने डिस्कवर किया, ये सब सवाल आपके लिए बन सकते हैं। ठीक है, फिलहाल वियतनाम के बारे में जान लो, कैपिटल हनोई है, आपको मालूम है, प्रेसिडेंट है ग्यूएन फू ट्रोंग और इसके प्राइम मिनिस्टर है ग्यूएन जैन फू। ठीक है, और यहाँ एरिया वाइज देखोगे तो ये 65 प्लेस पे आएगा, पॉपुलेशन वाइज 16 प्लेस पे आएगा, करेंसी है डोंग, दो अलग अलग करेंसी आज आपको पता चली है, नॉर्मली हम लोग डॉलर यूरो यही सब बात करते हैं ना, देखिए वियतनाम की करेंसी है डोंग और इससे पहले एक करेंसी गॉड हम लोग बात किए थे हाइती की। ठीक है, तो ये याद रखें, ये थोड़े डिफरेंट नाम है और ये आपको याद आना चाहिए। बिल्कुल, हर्षी ने कहा कि सर विद्यावती न्यू डायरेक्टर है ASI के, बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। ठीक है, विद्यावती इज द न्यू डायरेक्टर ऑफ ASI। चलिए फिलहाल तो सेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपके लिए वो आ गया है MCQ। तो MCQ के लिए सभी लोग तैयार हैं, सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं, जल्दी से मुझे इशारों में आप बता दीजिए आप कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं MCQ की ओर आगे बढ़ूं। ठीक है, बिल्कुल डोंग इज द करेंसी ऑफ वियतनाम, बिल्कुल विद्यावती इज डायरेक्टर ऑफ ASI, बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, बहुत सही। तो क्या आप लोग MCQ सेक्शन के लिए तैयार हैं, जल्दी से आप जवाब दे दें। तो मैं MCQ सेक्शन स्टार्ट करता हूं, 10 सवाल है, उसमें जवाब अपने आप से 20 सेकंड बाद आपको दिख जाएगा। आर यू ऑल रेडी, जल्दी से, बहुत सही। और देखिए वरुण ने तुरंत थम्स अप डाला है, चंद्रिका कह रही यस सर वी आर ऑल रेडी, एंड पूजा सानू राकेश पंक सब लोग जो है यस रेडी रेडी, सब लोग रेडी, देखो MCQ के लिए एकदम तैयार, बहुत सही। अब पैसे बनाने का टाइम हो गया, ठीक है, 1 question is equal to 1 crore, लेकिन मैं नहीं देने वाला, याद रखना वो आपका करोड़ है। ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट,
पहला सवाल आपके सामने आया एमसीक्यू का, दैट इज रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर इट्स फर्स्ट अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन। किस कंट्री ने अनमैन्ड हेलीकॉप्टर, मतलब इंसान नहीं बैठा था, हेलीकॉप्टर उड़ रहा था लेकिन उसमें इंसान नहीं बैठा था, इंसान नहीं चला रहा था उसको, ग्राउंड से रिमोट से चला रहे थे। यूएस, रशिया, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, जल्दी जवाब दे दीजिए, समय आपके पास नहीं है, 20 सेकंड ओनली, जल्दी से जवाब दे दीजिए। और ये देखिए जवाब आना शुरू हो गया, देखिए ओके, चलिए बहुत लोगों ने यहाँ पे आंसर जो दिया है, कई लोगों ने कहा कि सर चाइना होना चाहिए, कई लोगों ने अन्य देशों का बात किया है। 2407 हरी कह रहे सर ग्रेट लाइव सेशन, बिल्कुल लाइव सेशन तो ग्रेट होगा ही जब आप जैसे लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं जापान, कुछ लोग कह रहे हैं सही जवाब इसका, देखिए इसका सही जवाब चाइना ही है। चाइना ने एक हेलीकॉप्टर, ऐसा ड्रोन हेलीकॉप्टर उड़ाया जिसमें उसने इंसानों को नहीं रखा था, वो ड्रोन इसीलिए वो बन गया ना क्योंकि उसमें इंसान नहीं थे उड़ाने के लिए, वो टेक्निकली उड़ाया जा रहा था, ठीक है। याद है बचपन में, अभी भी हो सकता है कई लोग जो है रिमोट से हम लोग हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन उड़ाते रहते हैं, अब वो दौर आ गया कि अब मिलिट्री चीजें भी जो है रिमोट से उड़ रही है, ठीक है। Who has become the first Indian skipper to receive UN military, peacekeeper to receive UN military gender advocate award 2019? बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले इसको डिस्कस किए थे हम लोग, ठीक है। तो इंडियन पीस कीपर जो है, मतलब पीस कीपिंग फोर्स की कौन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड, ठीक है, किसको दिया गया है UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड, बिल्कुल सही। और ये जवाब आने शुरू हो गए, सबके जवाब आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने थे, कंचन गोस्वामी, सुमन गवानी, राजानी गौतम, मीना कुमारी, अंजलि ठाकुर, लेकिन सही जवाब था सुमन गवानी। ये आपको मालूम होगा, दो दिन पहले हम लोग डिस्कस किए हैं कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जो है दो लोगों का नाम आया था, ठीक है, जिसमें सुमन गवानी भी एक थी, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड, ये सम्मान दिया जाएगा, ये सम्मान केवल इनके लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए, पूरी जो जो हमारे सेना के लोग जो लोग सर्व कर रहे हैं पीस कीपिंग फोर्स में, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में, ये सबके लिए ये सम्मान की बात है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने, फ्रॉम विच मंथ हुनर हाट विल बी रिस्टार्टेड विद अ थीम ऑफ लोकल टू ग्लोबल इन 2020? लोकल टू ग्लोबल नाम से हुनर हाट फिर से शुरू किया जाएगा, ठीक है, ये किस मंथ से शुरू होगा, ठीक है। अभी लॉकडाउन चल रहा है लेकिन लॉकडाउन के बाद ये स्टार्ट होना है, तो ये आपको बताना है कब शुरू होगा, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर या जुलाई में, ठीक है। हुनर हाट कब शुरू होगा, लोकल टू ग्लोबल 2020, ये प्रोग्राम कब शुरू होगा, ठीक है, ये आयोजन कब किया जाएगा? सही जवाब बिल्कुल सितंबर है, सही जवाब इसका है सितंबर, ठीक है, सितंबर में हुनर हाट फिर से शुरू कर दिया जाएगा। चलिए आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस सेशन, और चलिए फिर से हम लोग अगले अपने चौथे सवाल पे पहुंचते हैं, देखते हैं चौथा सवाल क्या है। बहुत सही, फोर्थ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज, रिसेंटली कंट्रीज लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी हैज जॉइन हैंड विद विच बैंक टू ऑफर रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम टू इस कस्टमर, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक? बहुत ही ईजी सवाल है ये, अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे, आई होप इसका आंसर आप लोग जल्दी से दे लोगे, ठीक है। रिसेंटली लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी ने किसके साथ टाई अप किया है कि रिटेल लोन देगी, जो लोग कार खरीदने आएंगे उनको कार का लोन दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब आपके सामने है आईसीआईसीआई बैंक, अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे, मारुति सुजुकी ने टाई अप किया विद एचडीएफसी बैंक फॉर रिटेल लोन, ठीक है। चलिए बहुत सही, देखिए बहुत लोग, प्रियंका, संतोष, मोनू, सब लोग जो है सही जवाब देना शुरू कर दिए, भवेश एंड सूरज, ब्रिजेश, अर्जुन, सब लोग आईसीआईसीआई एकदम, मतलब ध्यान लगा के पढ़ा था इन्होंने। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइटियन फुटबॉलर फेडरेशन चीफ हु हैज बीन प्रोविजनली बैंड रिसेंटली बाय फीफा? फीफा ने बैन किया अभी हाइटियन फुटबॉल चीफ का, फुटबॉल के जो प्रेसिडेंट है हाइटी कंट्री के, उनको बैन किया, उनका नाम बता दीजिए, एविस जीन बार्ट, डेरेक 18, स्टीवन होक, ब्रायन नाजोन एंड फ्रेंजी पैरोट, ठीक है, जल्दी से नाम बता दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आपका है यविस जीन बार्ट, ठीक है, इनको बैन किया गया है मोरर ग्राउंड पे, हाइटियन फुटबॉल एसोसिएशन के फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अब इनको फीफा ने हटा दिया है, ठीक है, फीफा ने हटा दिया है। अभी हाइटी की हम लोग करेंसी की बात कर रहे थे, करेंसी क्या थी हाइटी की, आई होप यू रिमेंबर, हाइटी की करेंसी क्या थी, ना डॉलर था ना यूरो था, क्या था, ठीक है, हाइटी की करेंसी अभी हम लोग बात किए थे। देखिए आंसर सब लोग बार्ट 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 एकदम सबको याद है आंसर, ठीक है, आईटी की करेंसी अभी हम लोग डिस्कस किए थे, इट वॉज गोल्ड, ठीक है। अगला सवाल, रिसेंटली श्यामला जी वावे पास अवे सी वॉज, ठीक है, वो क्या थी, श्यामला जी वावे का निधन हो गया, पेशे से वो क्या थी, ये सवाल है आपके सामने, राइटर थी, पॉलिटिशियन थी, एक्ट्रेस, जर्नलिस्ट या सिंगर थी, ठीक है। श्यामला जी भावे का निधन हो गया, वो पेशे से क्या थी, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, पेशे से
वो एक सिंगर थी, ठीक है, श्यामला जी भावे जो थी वो पेशे से एक सिंगर थी, उनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। चलिए, ऐसे सवाल बिल्कुल एग्जामिनेशन में कई बार आपके सामने आते हैं कि लोग जिनका निधन हो गया उनके बारे में जरूर एक पॉइंट जरूर पूछ लिया जाता है कि वो किस लैंग्वेज में लिखते थे या किस स्टेट से रिलेटेड थे, तो ये हमेशा उस व्यक्ति के बारे में जानकारी हमेशा रखिए, ठीक है। अगला सवाल, नासा हैज रीनेम्ड इट्स नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप वाइड फील इंफ्रा डेवलपर टेलीस्कोप डब्ल्यू फर्स्ट विच विल बी लॉन्च इन ऑनर ऑफ नैन्सी ग्रोमेनरेन इन विच ईयर, किस वर्ष को जो है डब्ल्यू फर्स्ट नासा लॉन्च करेगी, डब्ल्यू फर्स्ट को नासा किस वर्ष लॉन्च करेगी, जल्दी जवाब दे दे, 2020, 2023, 2021, 2024 और 2025 जल्दी जवाब दे दीजिए, डब्ल्यू फर्स्ट को नासा कब लॉन्च करेगी। बिल्कुल, ये 2025 का ये टारगेट है, 2025 यानी अभी 5 साल इसके लिए और हैं, और नासा जो है ये कॉमेमोरेट करेगी किसके लिए, नैन्सी ग्रैस रोमन के लिए, उनके ऑनर में जो है ये डब्ल्यू फर्स्ट वो लॉन्च करेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ नाइजर, नाइजर के लिए इंडियन रिपब्लिक किसको मतलब एम्बेसडर के रूप में रिपब्लिक ऑफ नाइजर के लिए वहां पे अपॉइंट किया गया है, आयुष शर्मा, विनय जोशी, मनीष रावत, प्रेम के नायर, अभिषेक पांडे, ये 5 नामों में से एक नाम सही है, जवाब जल्दी दे दीजिए, समय हो रहा है समाप्त, जल्दी से बताएं नाइजर के नए एम्बेसडर, भारतीय एम्बेसडर कौन होंगे, प्रेम के नायर होंगे, बिल्कुल प्रेम के नायर जो होंगे वो नाइजर के एम्बेसडर होंगे, एकदम याद कर लेना, ठीक है, नाइजर के एम्बेसडर होंगे या प्रेम के नायर, ठीक है। देखिए 444 सब लोग आंसर मार रहे थे, 44 कुछ लोगों ने 5 और 1 भी दिया है, ठीक है। चलिए फिलहाल अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है, रिसेंटली हु हैज वॉन द इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड नी NYIPLA 2020, इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, डॉक्टर राजीव जोशी, शरद चंद्रा, विवेक अग्रवाल, विपुल पाल, सुमित अरोड़ा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपके सामने, जल्दी से जवाब दे दें कि NYIPLA 2020 अवार्ड किसको दिया गया है, बिल्कुल डॉक्टर राजीव जोशी जी को दिया गया है ये इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव डिस्कस ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एंड बिग डाटा, तो AI के क्षेत्र में इंडिया और एक देश जो है वो साथ आ रहे हैं इस पे इसके डेवलपमेंट के लिए, वो कौन सा देश है, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, इसराइल, युगांडा एंड आइसलैंड, ठीक है, जल्दी जवाब दे दीजिए, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, इसराइल, युगांडा एंड आइसलैंड, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 ही है, इसराइल ही है, इसराइल के साथ भारत जो है वो कोलैबोरेट करके जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे वो वर्कआउट करेगा, यानी उस पे कुछ नया ये लोग शोध करने वाले हैं, ठीक है, आने वाले दिनों में। तो ये आपके सामने ये 10 सवाल थे, और जल्दी से आप मुझे ये जरूर बता दें कि 10 में से कितने सवाल आपके सही हुए, ठीक है, 10 में से कितने सवाल आपके सही हुए। बिल्कुल, ये देखिए अभी भी लोग जो है आंसर देते जा रहे हैं, ठीक है, आंसर देते जा रहे हैं, तो 10 में से कितने सवाल आपके सही हुए, और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू या टेलीग्राम चैनल, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको शेयर की जाएंगी, हमारे जो भी हम लोग पढ़ाते हैं वो चीज़ें ऑलमोस्ट उसमें आप लोगों को शेयर की जाती है, हर सब्जेक्ट का देखिए टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आपको हेल्प आउट करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई है कि अगर मान लीजिए किसी वजह से आप मिस कर जाते हैं तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हो, उसमें कई क्वेश्चंस वगैरह भी डाल दिए जाते हैं जो पिछले एग्जाम में आए रहते हैं, और कोई भी मैसेज होता है तो वो भी उसमें हम लोग आपको दे देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो है आप सभी लोगों ने शो में पार्टिसिपेट किया है, और जो लोग नए आए उनको फिर से हम बता दें कि देखो शेड्यूल जो है इस तरीके का है, कैल जो है ऑल करंट अफेयर लाइव 7 बजे सुबह होगी, फिर बैंकिंग गुरु 11 बजे वाली श्रेणी में आपके सामने आएगी, फिर रेलवे जो है 3 बजे वाली श्रेणी में 3 बजे से 4 बजे के आसपास जो है रेलवे की क्लासेस आपको दी जाएंगी, बैंकिंग फिर से 6 बजे जो है मैथ और रीजनिंग की क्लासेस आपको अवेलेबल की जाएंगी, SSC की पाठशाला में CGL की पढ़ाई आप करोगे 8 से 9 बजे में, मतलब इसके बाद से CGL का क्लास आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, वो कैब 1:30 पे होगा, एडिटोरियल 5 बजे देखना मत भूलिएगा, एडिटोरियल आपको बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा देखना चाहिए, CHSL की क्लासेस जो 7 से लेकर रात के 9 बजे के बीच में आपको अवेलेबल हो जाएंगी, और देखिए नंबर 4 में 10, 10 में 10 रुपेश और मोनू गुप्ता जो है वो 10 में 10, 5 नंबर सागर को मिले हुए हैं, चलिए बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रयास किया है, और इसको फिर से पढ़ लेना तो आपके सब 10 में 10 आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और इस सेशन में एकदम लगे रहिए, लगातार इसके बाद भी आपके लिए कई क्लासेस अभी आने वाली हैं, इसलिए एकदम स्टे ट्यून एंड बी रेडी फॉर द सेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, कल फिर से हम लोग मिलेंगे करंट अफेयर लाइव सुबह में एक नई एनर्जी के साथ, चलो थैंक यू वेरी मच।